इससे पहले कि मालकिन के गुस्से की आग में हमारा पूरा परिवार जल जाए, आज तेरी जबान में आग लगा देंगे, वरना तेरी जबान की तेजी से हमारा पूरा परिवार जल के राख हो जाएगा। अम्मा, अम्मा क्या करें, हाथ जल जाएगा, लकड़ी फेंको अम्मा। हमारा हाथ जल जाए तो कोई बात नहीं, मगर तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता जल गई है, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अम्मा कसम है तुम्हें, छोड़ो ना। कहते हैं कि किताब पढ़ने से दिमाग तेज होता है, इसका दिमाग नहीं इसकी जबान तेज हो रही है, और छुप छुप कर किताबें पढ़ते, ये सब उसी का नतीजा है, समझे? और ये सब देखने के बाद भी अगर तुम्हारे मुंह से कोई बात ना निकली ना, तो लड़की हाथ से निकल जाएगी और फिर पीटते रह जाओगे माथा। अम्मा। दादी तमाशा नहीं, अपनी मेहनत का हक मांगा है इसने, और हमें तो खुशी है दादी कि शकुंतला देवी के डर को अपने सीने से निकाल कर इसने अपनी मेहनत का मोल मांगा है, और मेहनत का मोल मांगना गलत कब से हो गया दादी? मोल मांगना गलत नहीं, लेकिन अपनी हैसियत भूल जाना गलत है। गौरी तो ये कैसे भूल गई कि वो मालिक है और हम नौकर। हम मानते हैं कि नौकरों के लिए मालिक भगवान होते हैं, पर भगवान कभी भी ऐसे सरेआम जलील नहीं करते। शांति, देख रही हो कैसे जवाब दे रही है? अम्मा मान ली तेरी बात, लेकिन वहां घर के सबसे बड़े तेरे बाबूजी वहां खड़े थे, जब वो कुछ नहीं बोले तो तुझे बात करने की क्या जरूरत थी? कल को मालकिन ने अगर हमें पैसे और काम देने से मना कर दी फिर क्या करेंगे? मालकिन हमें जरूर काम देंगे, क्योंकि गोरी के हाथ में हुनर है एक होनार बुनकर बनने का, अनारसी साड़ी बुनने का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की? ये हमारा घर है, कोई अनाथालय नहीं है। माफ कर दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। नौकर हो नौकर की तरह रहो, बिना इजाजत के हमारे सामने सांस लेने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। दीदी ये का छोटे लोगों से आप मुंह लगा रही हैं? ए जा दीदी के लिए बेल का शरबत लेके आ। जी चलो चलो। अरे बहना तुम काहे गुस्सा होती हो? ये नौकरानी हो या वो लड़की, तुम्हारे आगे तो दोनों ही दो कौड़ी की है। मालकिन इस साड़ी का पैसा अगर मिल जाता तो वो लड़की दो कौड़ी की नहीं है, वो एक नई बगावत की चिंगारी है। उस लड़की की तरह चिंगारी कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कब बड़ी आग लगा जाए पता भी नहीं चलता। वो लड़की अच्छी तरह से जानती है कि उसकी कारीगरी शकुंतला सारीस की इज्जत बचा सकती है, लेकिन अगर 24 घंटों में वो अपने हुनर से हमें हैरान कर सकती है तो हम मिनटों में अपने रुतबे से उसे परेशान कर सकते हैं। ये बात कुछ संक्षेप में बताओ बहना, हमारे तो खोपड़ी के ऊपर से निकल गई। उसका बाप आने वाला है ना कल पैसे लेने के लिए, ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा, ऐसी इज्जत उतारेंगे उसकी, बेइज्जती से झुके कंधे ही उस सारी का हर जाना है। मेहनताना के बदले सजा, अरे पैसों की किल्लत थी, शादी का बोझ था, इसलिए गंगा अपनी जान देने के लिए गई थी, भूल गई तू?
दादी भूल जाते तो साड़ी बनाने के लिए हाँ ना करते। किताबें छोड़कर कुछ देर के लिए हाथों में रेशम का धागा पकड़ा था, पर अब हमें समझ आ गया है कि रेशम के धागे नहीं, किताबें ही हमारा भविष्य बदल सकती हैं। अरे हम तो तुझसे बहस ही नहीं कर सकते। चंदन, हम तुमसे एक बात कहेंगे कि अभी भी वक्त है, रोक ले इसे, नहीं तो इसकी तेज जबान से तेरी नाक कटेगी। नहीं अम्मा, मैं उन बाप में से नहीं हूं जो समाज के डर से अपनी बेटियों को डरना सिखाए। भले ही मैंने अपनी बेटियों को चुप रहना नहीं सिखाया, लेकिन सही गलत का फैसला सही तरीके से करना जरूर सिखाया है। समाज में अगर सही हो रहा है तो अपना हाथ उठाओ, और अगर समाज में कुछ भी गलत हो रहा है उस गलत के खिलाफ भी आवाज उठाओ। और आज मेरी गौरी ने अपने हक के लिए आवाज उठाई है, और मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। नहीं बेटा, तूने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं तेरे साथ हूं। दादी, इसके कटे हुए हाथ देख रही हैं आप? गौर से देखिए, रेशम के धागों से बनी लकीरों के आगे भगवान की बनाई गई लकीरें धुंधली पड़ गई हैं। और आप ना ही इसके हाथों के जख्मों को देख रही हैं और ना ही दिल के, बस इसे सुनाई जा रही हैं आप। चल गौरी, तेरे हाथ में लेप लगा दूं। गंगा, हम लगाएंगे लेप। बहुत ज्यादा धनित हो रहा है का? मेहनताना तो हर मेहनत करने वाले का हक होता है, फिर तुम उन्हें सजा देने की बात क्यों कर रही हो? पिताजी, आप इन लोगों को नहीं जानते। इन लोगों को इनकी औकात में नहीं रखा ना तो सर पर चढ़ जाते, और एक बार सर पर चढ़ गए तो हमारे लिए ही मुश्किल करते हैं। नहीं बेटा, कोई भी नौकर मालिक के लिए कभी मुश्किल नहीं खड़ी करता है, बल्कि वो तो उनकी मुश्किलों को आसान करता है, बशर्ते मालिक उन्हें किसी मुश्किल में ना डाले। मजबूर, इसीलिए तो मजदूर हैं। अब तुम उनकी मजबूरी का फायदा उठाओगी तो नुकसान तो तुम्हारा ही होगा, क्योंकि मजदूर के पेट की भूख जब बर्दाश्त के बाहर हो जाती है ना, तो बड़े से बड़े व्यापारी का कद और अपमान की हद दोनों भूल जाता है। यदि तुम्हें नौकर से सम्मान चाहिए ना, पहले उनके काम का सम्मान करना सीखो, समझ गई? अनिका, गर्व, तुम्हारी मीटिंग थी ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनिका, गर्व क्या हुआ, क्या किया अनिका ने? अनिका नीचे आओ। किसने बदतमीजी की तुम्हारे साथ हूँ? मुझे नाम बताओ उसका। भैया वो, पर आपको कैसे पता चला भैया? अनिका भाई हूँ तुम्हारा, बनारस में हवा भी मुझसे पूछे बिना नहीं चलती, पर मैं तुम्हारे पल पल का हिसाब रखता हूँ, मुझे उसका नाम बताओ बस। किसने की तुम्हारे साथ बदतमीजी, नाम बताओ, सजा मिलेगी उसको। हाँ बुआ, उसको ऑलरेडी सजा दे चुके हैं, आप जाने दीजिए। नहीं नहीं, किसी ने गर्व की बहन को गंदी नजर से देखने की जरूरत की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसका नाम बताओ, कहाँ हो ये सब? वाजपेयी चौक के सामने वाले गली के। वाजपेयी चौक? क्या तुम वहां क्या कर रही थी? तुम अग्रवाल खानदान की बेटी हो, ऐसी जगहों पर जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। और अब उस लड़के को उस गली में आना शोभा नहीं देगा मॉम। गर्व, इट्स ओके, हम इंस्पेक्टर सिंह से बात करेंगे। नहीं मॉम, पुलिस से पहले मैं उससे निपटूंगा, मैं उसको। गर्व, हम पर भरोसा रखो, उस लड़के को सजा मिलेगी। और अनिका, आइंदा तुम ऐसी जगहों पर नहीं जाओगी।
बिंदा इसे ऊपर ले जा। चलो अच्छा है, शादी के लिए काफी सारी चीजें इकट्ठी हो गई है। हाँ। जीजू के लिए गोरख चाचा ने कुछ कपड़े भिजवाए हैं। वाह, गोरख अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है। हाँ। चलो मंगल के लिए कपड़ों की व्यवस्था भी हो गई, बस अब अंगूठी की व्यवस्था भी हो जाए तो। आप क्यों चिंता करते, हम है ना, हम अपने गहने गिरवी रख देंगे। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछला हिसाब और ये बनारसी साड़ी, सबको मिला के इतना पैसा तो आ ही जाएगा कि मंगल को देने के लिए अंगूठी आ जाए। चलो ठीक है। अरे गौरी। हाँ? वो गंगा का शादी का जोड़ा हमने धोने के लिए दिया था, उसका कहाँ हुआ? उसकी तो अभी पिटाई हो रही है। पिटाई हो रही है? मतलब थपकी से। आप चिंता मत करो, कल तक धुल के आपके हाथों में शादी का जोड़ा चमक बिखेर रहा होगा। ठीक है। कब आते? अब परेशान लग रहे? नहीं रे, कोई परेशानी नहीं, थोड़ा सा वो परिवार के लिए कुछ कर ना सका, वही कसूरवार महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए छोटी मोटी जरूरत भी पूरी नहीं कर सकता, कैसे क्या करूँ वो समझ में नहीं आ रहा है। गंगा की बापू, आप फिक्र क्यों करते? वैसे आप कल मालकिन के पास पैसे लेने जा रहे हैं, तो आपने उनसे विनती कीजिएगा कि कुछ पैसे और दे दे। बिटिया का ब्याह है तो इस बात के लिए वो मना नहीं करेगी, और हम जल्दी ही काम करके पैसा भी तो चुका देंगे ना। हाँ, यही सही रहेगा। अरे ओ फुलवारिया वालों, 5 दिन बाद दीदी की शादी है, आना मत भूलना। बड़ी पतली होती जा रही हो, पर दीदी की शादी है, कोई बहाना नहीं चलेगा। एवन क्वालिटी का दूध चाहिए उस दिन हमें, समझी? गोबर तैयार रखना, ईंधन कम नहीं पड़ना चाहिए दीदी की शादी में। और काकी, आप जाकर रसोई में कढ़ाई चढ़ाओ, कब बनाओगी मीठा? और हाँ, आपको जब टाइम मिले आप घर आ जाना, क्योंकि बचे हुए धागों से चादर सिलनी है। उससे क्या होगा, बरातियों को बैठने के लिए व्यवस्था भी हो जाएगी। चाचा जी, बाग से नींबू तोड़ लेना, बारात के साथ साथ आपको भी शिकंजी पिलाएंगे। और चाची, आपकी बेटी की शादी में टाइम नहीं बचा है, अपने हाथों को बुलेट ट्रेन की तेजी से काम पे लगाओ। ये युग का बच्चा अभी तक नहीं आया, काम के वक्त गायब रहने की पुरानी आदत है इसकी। आने दो इसे, फिर कान खींचेंगे हम इसके। आ गई तू? हाँ बाबूजी। पूरे गांव को न्योता देकर आई होगी? जी बाबूजी। चेहरे की थकान बता रही है, गंगा की शादी के लिए बहुत मेहनत की है तूने। थक गई हूँ बाबूजी, अब आराम करना है थोड़ी देर। नहीं बेटा, तेरी थकान आराम करने से दूर नहीं होगी, तेरी थकान तो काशी चाट वाले की आलू टिक्की खाने से दूर होगी। तीखी चटनी ज्यादा डलवाना बाबूजी। पक्का। दीदी के लिए आलू टिक्की और चुटकी के लिए चुटकी भर नमक भी नहीं। थोड़ा सा नमक क्या, तेरे लिए दही चाट लाऊंगा, सबके लिए लाऊंगा, ठीक है? आते हैं बेटा, है ना? जी बाबूजी। आते हैं। बाबूजी हमसे कितना प्यार करते हैं ना चुटकी,
हे गौरी, मुबारक हो, तुम तो बस्ती की हस्ती हो गई। क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता? अरे जो साड़ी तुमने बनाई थी ना पूजा गौर, वो फिल्मों की हीरोइन, वो उसे पहन रही है। टीवी पर उसका इंटरव्यू भी आने वाला है। क्या बात कर रहे हो, हमारी साड़ी टीवी पर? अब तो टीवी देखना पड़ेगा। आप जल्दी से धूल वूल साफ करवा के लखन भैया का टीवी बाहर निकलवा लो, हम बाकी बस्ती वालों को बुलाते हैं। दीदी, दादी, आ जाए मालिक। भैया कब आएगा इंटरव्यू? टीवी की छतरी में कुछ गड़बड़ हुआ है, वो ठीक कर रहा हूँ, हो जाएगा। हमरे गौरी की साड़ी पहनेगी पूजा गढ़। अरे वाह, नाम रोशन कर दिया तुमने हमारा। देखना अब पूरे बस्ती को भी काम मिलना शुरू होगा। भैया सही में हमारी बस्ती का नाम तो गौरी ने ही रोशन किया है। कारीगर नहीं, 24 घंटे में बाजी पलटने वाली बाजीगर हो तुम। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सुपरस्टार पूजा जी की शादी और सारी देखने के लिए लोगों में बहुत उत्साह है। मालिक, वो साड़ियों के पैसे मिल जाते तो। तो सिर्फ 6,000 रुपए। मालिक, वो घर में बेटी की शादी है, हाथ थोड़ा तंग है। पुराना हिसाब भी हो जाता तो बेटी की शादी में सहारा हो जाता। अरे तूने हमें कुछ पैसा दिया था क्या उधार, जो लेने चला आया? नहीं नहीं मालिक, वो 7 साड़ियां भेजी थी ना। हाँ। और 24 घंटे में एक साड़ी तैयार करनी थी, तो सारा हिसाब मिला के होता 20,000 रुपया। ₹20,000? हाँ। तुझे कितनी बार बोला कि नशा करके मत आया कर इधर। अरे तेरी इस बूढ़ी आंखों ने कभी देखे हैं 20,000 रुपए? लाल होते हैं कि पीले? किस बात के 20,000 रुपए? पूजा मैडम, पूरे भारत में आपकी साड़ी को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं, कुछ बताएंगे इसके बारे में? अरे हमारे बाबूजी और गौरी ने बनाया, चर्चा तो होनी थी ना। 20,000 बहुत दूर की बात है, 20 रुपए का भी तगादा मेरे से करना मत तुम। थर्ड क्लास माल बनाया एकदम घटिया, दो कौड़ी का। क्या बात कर रहे मालिक, हमने एक एक साड़ी बारीकी से जांच करवा के दी थी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हैं? गलतफहमी? अरे गलतफहमी हमको नहीं, तुझे हुई है, तुझे, समझा? दिमाग है ना ये चाचा चौधरी से तेज है, और सारा शहर इसी दिमाग की कसम खाता है। तेरे यहाँ से जो साड़ी आती है ना, आधे के तो धागे निकले हैं, कुछ का प्रिंट खराब है, जरी लगा के देता है तू हमको, है? तो पैसे का काम नहीं है तुम्हारा। अरे वो तो शुक्र मनाओ ऊपर वाले का कि तुमको हमारे जैसा हीरा आदमी दे दिया है, समझे? कोई और होता ना, ये तुम्हारी साड़ियां सारी उठाता, तुम्हारे मुंह पे मार देता और धक्के देके निकाल देता यहाँ से बाहर। पूजा जी, हमने सुना आपकी शादी की साड़ी 50 लाख रुपए की है। 50 लाख? देखिए ये वही साड़ी है जो पूजा गौर ने अपनी शादी में पहनी है। मुबारक हो बेटा, तुमने तुम्हारे गांव का नाम ऊंचा कर दिया। भारत का सबसे अटूट गहना है भारतीय संस्कृति, और हम बचपन से चाहते थे कि हम अपनी शादी में भारत की सबसे खूबसूरत वेशभूषा बनारसी साड़ी पहने, और जब बनारसी साड़ी शकुंतला सारीज की हो तो फिर उससे बेहतर और क्या हो सकता है। दीदी 50 लाख? देखना बाऊजी को इसके बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, और बख्शीश में बाऊजी को मालकिन ऊपर से भी पैसे देंगी। भला हो इस पूजा गौर का जो इसने हमारी बनाई हुई साड़ी पहन ली। अब आपकी शादी का खर्चा भी निकल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं मालिक, हमने एक एक साड़ी बारीकी से जांच करवा के दी थी। अरे बारीकी से धागा नहीं लगाया है, हमारे मुंह पर चूना लगा दिया है तुमने, समझे?
तुम्हारे यहाँ से जो साड़ियाँ आती है ना, हमको उसमें अपना पैसा लगाना पड़ता है उन साड़ियों को सुंदर बनाने के लिए। बुढ़ापे में ऊपर वाले को मुंह दिखाना नहीं दिखाना है। शुक्र करो कि हमारी बहन का इतना बड़ा जिगर है, इतना बड़ा दिल है उनका, तुमको 6,000 रुपए दे दिए, मेरे तुम इस लायक भी नहीं हो। मालिक, घर में बेटी की शादी है, 6,000 रुपए से क्या होगा, आप ही सोच के देखिए। तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचें और अपने बच्चों के बारे में सोचना बंद कर दें। तुम्हारे घर में शादी है तो क्या करें, अपनी दुकान बेच दें, अपने आप को गिरवी रख दूं और सड़क पे बैठ जाऊं कटोरा लेके, दे दो दे दो दे दो। मिल गया ना, उसको अपना नसीब समझो और निकल यहां से, चल दिमाग खराब मत कर। अरे तुम लिखो। हमने साड़ी को अपनी फैक्ट्री में बनाया है, मेरे मॉम और मैं हमेशा खास ख्याल रखते हैं कि साड़ी ठीक से बनी हो, एक धागा तक ना निकला हो। वाह जी वाह, रात भर जाग के आंखें हमने सजाई और तारीफें ये बटोर रही है। छोड़ना गौरी, हमें हमारे पैसे मिल रहे हैं ना, बहुत है, बस बात खत्म। बाऊजी कहाँ रह गए, अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। आ गए आप, हम आपके लिए पानी ले आते हैं। ये लीजिए। अब मालकी ने पैसा दे दिया ना? आप आ गए बाबूजी। गौरी आ जा बेटा, ये देख तेरे लिए चाट लाए, काशी चाट से। हाय, ये तो जान है हमारी। खा ले बेटा। बाबूजी, आपको तो आज पैसे मिलने वाले थे ना, आपने नए जूते खरीदे? अरे उसकी क्या जरूरत है बेटा, टांके लगवा लेंगे, काम चल जाएगा। और देखना, कम से कम साल भर और चलेंगे हमारे जूते। बच्चों को टिक्की खिलाई जा रही है, मतलब मालकिन ने पैसे दिए है ना? हाँ वो बाबूजी। आई बेटा चुटकी, ये देख बेटा तेरे लिए भी लाए दही वाली चाट है ना, फिर ना कहना कि बाबू हमारे लिए कुछ लाए नहीं। गंगा के बापू, मालकी ने सच में पैसे दिए है ना? हाँ दिए ना, तनिक भी देर नहीं की, देखते हाथ पे धर दिए थे हमारे। देखिए हमें लगता है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। सच सच बताइए ना, पैसे मिले हैं कि नहीं? 6,000 रुपए में। क्या 6,000 रुपए? बाऊजी, 50 लाख की बेची उन्होंने साड़ी और हमें बस 6,000 दिए? दिल नहीं है क्या इन अमीर लोगों में? हम गरीबों को कुछ समझते ही नहीं है, अब दीदी की शादी का खर्चा कैसे उठाएंगे हम? भोले बाबा है ना, भरोसा रखो सब ठीक होगा। टूटी हिम्मत को उम्मीदें जोड़ती है, भोले बाबा परीक्षा ले रहा है हमारी, तुम लोग अगर हमारा साथ दोगे हम परीक्षा में जरूर पास होंगे। पहले भी तो रास्ते बने, आगे भी बनेंगे, गंगा की शादी होगी और जरूर होगी, धूमधाम से करेंगे गंगा की शादी हम। चंद्रकांत भैया, समधन जी, प्रणाम। आइए बैठिए, खुश रहो खुश रहो। बैठिए ना बहन जी। अरे नहीं नहीं, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हम तो बस एक गुजारिश करने आए हैं। देखिए भैया, आप अच्छे से जानते हैं कि हम गंगा के ब्याह के लिए आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगे,
लेकिन आज हम आप लोगों से एक मांग करने आए हैं और कह देते हैं आपको मानना ही पड़ेगा। हाँ बोलिए ना। सुने हैं कि पूजा गौर का साड़ी आप ही लोग बनाए थे। अब देखो क्या है ना भाई, आजकल हम लोगों का बैठना उठना बड़े लोगों के साथ हो रहा है, तो हम एक बात कह देते हैं आपसे कि हम चाहते हैं कि हमारी बहू गंगा बनारसी साड़ी में विदा हो जैसे कि पूजा गौर पहनी थी। बात तो ठीक कह रही है पर उसके लिए तो... इसके लिए कुछ मत करिए। हमने कह दिया मतलब कह दिया, गंगा की विदाई होगी तो बनारसी साड़ी में ही होगी और इस बात पर कोई समझौता नहीं होगा। अरे तेरा हमारी इज्जत का भी तो ख्याल रखो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.